हेलो नमस्ते सलाम अलैकुम सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मैं बहुत ही अच्छा हूं। आज हम कर रहे हैं इस रॉयल इनफील्ड 2021 यूज़र रिव्यू। सबसे पहले हम बात करेंगे ये बाइक मैंने आखिर क्यों ली, वाई हिमालयन, इसको लेने का क्या क्राइटेरिया था, मैंने इसे ही क्यों परचेज़ किया। इसके बाद में हम बात करेंगे बुकिंग एंड डिलीवरी एक्सपीरियंस के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे इसके लुक्स के बारे में, देन राइड एंड हैंडलिंग के बारे में बातें करेंगे, इसकी एक्सेसरीज़ के बारे में बातें करेंगे, क्या क्या एक्सेसरीज़ हमने इसमें लगाई हैं, क्या क्या प्लान्ड हैं, ओवरऑल कितना माइलेज मेरी बाइक दे रही है, क्या इसमें मुझे अच्छाइयाँ लगीं, क्या क्या बुराइयाँ लगीं, क्या फ़ीचर्स नई इसमें ऐड हुई हैं, ये सारी बातें हम इसमें करने वाले हैं आपके साथ। और आखिर में एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल कम टू नो कि ये बाइक आपको लेनी चाहिए या नहीं चाहिए, मैं एज अ यूज़र इसको आपको रिकमेंड करूँ या ना करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इस बाइक के बारे में सब कुछ। सबसे पहला सवाल आता है कि मैंने हिमालयन ही क्यों चूज़ करी। मार्केट में इसके कंपटीशन में जो बाइक्स हैं उनमें मेनली है BMW की GS 310, इसके अलावा है एडवेंचर 390 KTM की, तो फिर मैंने आखिर हिमालयन ही क्यों ली। देखो यार, मेरा बाइक लेने का जो मेन मकसद था ना, वो ये था कि मुझे एक कंफर्टेबल बाइक चाहिए, मुझे एक ऐसी बाइक चाहिए जिस पर मैं आराम से बैठ कर कहीं भी जा सकूँ, लॉन्ग टूरिंग भी कर सकूँ, सिटी में भी उसको मैं राइड कर सकूँ, और जिसकी मेंटेनेंस भी इजी हो, जिसके पार्ट्स भी इजीली अवेलेबल हों। तो ये सारी क्राइटेरिया मेरे थे और इन सारे क्राइटेरियाज़ में ये बाइक बिल्कुल फिट बैठ रही थी। दोस्तों, डिलीवरी और बुकिंग एक्सपीरियंस मेरा रॉयल एनफील्ड के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा रहा। 14th December में सबसे पहले ये बाइक बुक करी थी, लेकिन उनके साथ मेरा कुछ डिस्प्यूट हो गया कुछ बात को लेके। मैंने उनसे बोला, भाई मेरे को जो इंश्योरेंस है वो बाहर से लेना है, मुझे आपसे इंश्योरेंस नहीं लेना है क्योंकि आपका इंश्योरेंस बहुत कॉस्टली है, मुझे बाहर से इससे काफ़ी सस्ते में इंश्योरेंस मिल रहा है। तो एज अ जनरल रूल उनको इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए था, बट दे स्ट्रेट अवे डिक्लाइंड एंड उन्होंने मुझसे बोला कि भाई अगर आपको इंश्योरेंस नहीं चाहिए तो आपको बाइक डिलीवर नहीं कर सकते, आपको इंश्योरेंस हमसे ही लेना पड़ेगा। इस बात को लेके मेरा उनसे थोड़ा सा डिस्प्यूट हो गया और फाइनली मैंने अपनी बुकिंग जो थी वो कैंसिल करा दी। इस बात को लेके मैंने सोशल मीडिया पे काफ़ी सारा प्रोपेगेंडा भी किया, इनफैक्ट प्रोपेगेंडा नहीं कह सकते उसको, मैंने काफ़ी अपनी आवाज़ उठाई, और उस आवाज़ उठाने का नतीजा ये हुआ कि मेरे पास रॉयल एनफील्ड से कॉल आई और उन्होंने मेरे से पूछा, भाई आपको क्या प्रॉब्लम है। तो उस सेल्स एग्जीक्यूटिव ने मुझे सजेस्ट किया कि आप बजाय डीलरशिप पर जाने के आप हमारी वेबसाइट पर बुक कर दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट टू माई सरप्राइज़ अगर आप ऑनलाइन बुकिंग भी कराते हो रॉयल एनफील्ड की वेबसाइट पर, तब भी आपको रॉयल एनफील्ड के शोरूम से ही बाइक की डिलीवरी मिलेगी। और चलिए डिलीवरी मिल जाए वो भी ठीक है, बट आपको सारा कुछ पेपर वर्क, सारा कुछ पेमेंट, सारा कुछ इंश्योरेंस, सारा कुछ RTO का सिस्टम, सब कुछ आपको उसी डीलरशिप से कराना पड़ेगा। तो ओवरऑल बहुत ही डिससैटिस्फाइड मैं रहा, सब पता नहीं मुझे वो मेरी इस डीलरशिप के साथ ही था या सभी जगह रॉयल एनफील्ड में ऐसा होता है। अगर आपने भी कभी ऐसा कुछ फेस किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए, ताकि मैं भी देखूं कि यार सिर्फ मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है या आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है। तो अब बात करते हैं बाइक की लुक्स के बारे में। शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट फेशिया से। तो फ्रंट में आपको मिल जाता है ये राउंड हेडलाइट, जिसमें इग्निशन के टाइम पे ऑन होता है ये वाला LED लाइट, और जो मेन हेडलाइट है वो ये है जो कि हैलोजन है। इसके बाद आप देखिएगा ये ऊपर मड गार्ड जो कि सिल्वर फिनिश में है। फ्रंट में जो टायर और जो रिम साइज़ है वो है 21 इंच। स्पोक व्हील्स इसमें आपको मिलेंगे, और ये मिल जाएगा आपको डिस्क ब्रेक जो कि 320mm का डिस्क ब्रेक है, और ये ABS के साथ आता है। ABS डुअल चैनल आपको मिलेगा, यानी फ्रंट में भी आपको ABS है और बैक साइड में भी ABS है। इसके साथ फ्रंट में आपको मिल जाएंगे नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो कि 400mm का आपको ट्रैवल देते हैं, ऑफ रोडिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके अलावा साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें, तो चूँकि मेरी बाइक जो है ये मिरेज सिल्वर कलर है, तो इसमें आपको ब्राउन कलर की सीट्स मिलती हैं। ये सीट्स जो हैं ये मैंने अलग से इसके ऊपर कवर लगवाया है, सेम कलर है जो कि
स्टॉक आपको सीट्स मिलती हैं, उसी कलर से मैच मैंने ये सीट कवर डलवाए हैं। अगर बात करें इसकी फ्रंट विंडशील्ड की, तो ये विंडशील्ड अब थोड़ी सी आपको डिफरेंट मिलेगी, क्योंकि अब इसमें एक एक्स्ट्रा गैजेट लग गया है, तो थोड़ा सा इसको नीचे से ब्रॉड कर दिया है और थोड़ी सी इसकी लेंथ भी बढ़ा दी है। इसके साथ साथ ये स्मोक्ड फिनिश में है। जो सबसे मेन चीज़ है इस अपडेटेड 2021 वर्जन में, वो है ये इसके स्पीडो कंसोल के साथ दिया हुआ स्ट्रिपर नेविगेशन सिस्टम, जो कि रॉयल इनफील्ड ने गूगल के साथ मिलकर बनाया है। इसके अलावा अगर इसके हम स्पीडोमीटर को ऑन करते हैं, तो आप देखेंगे इसमें पार्टली डिजिटल एंड पार्टली एनालॉग मीटर आपको मिलेगा। ये गियर शिफ्ट इंडिकेटर है जो आपको गियर्स की पोजीशन को बताएगा, टाइम है ऊपर, टेम्परेचर आपको ये बताएगा, कितना डिस्टेंस आपने ओवरऑल स्पीडोमीटर में तय कर लिया है वो आपको बताएगा। ये नीचे ट्रिप मीटर है, जिसमें ए और बी दो ट्रिप मीटर्स हैं, वो आपको इसमें आप सेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये आपका आरपीएम मीटर है, ये फ्यूल गेज है, और ये एक कंपास है। ये कंपास एज सच मुझे लगता नहीं कोई इसका यूज़ है, बट स्टिल एक चीज़ है तो वो आप देख सकते हैं। ये कंपास जो एरो शो करता है, ये हमेशा एरो आपका नॉर्थ डायरेक्शन में शो करेगा, और जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो वो डायरेक्शन आपके डिस्प्ले पर आएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी आप देख रहे हैं ये ऐसी लिखा हुआ रहा है, यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हमारी बाइक जो है वो खड़ी है, और ये एरो जो है ये नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। साइड प्रोफाइल की अगर इसकी हम बात करें, तो साइड प्रोफाइल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जैसा कि इससे पहले वाली बाइक में आता था, कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ एक दो डिफरेंसेस हैं, एक तो है इस कलर का, जो कि नया कलर है इस बाइक में, मिरेज सिल्वर ये कलर है, जिसमें आपको ये दिख रही है ब्राउन कलर की एक स्ट्रिप, जो कि इसको एक अच्छा सा करेक्टर प्रोवाइड करती है। दूसरी जो चेंज आपको मिलेगी वो इसका ये जो साइड में एक कैन माउंट करने का कह सकते हैं स्टैंड है, इसकी जो लेंथ है ये पहले थोड़ा सा आगे तक और ज़्यादा होती थी, बट अब इसको कम कर दिया है। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे हिमालयन की बैचिंग, जो कि अगेन डार्क ब्राउन कलर में है। एग्जॉस्ट पाइप, इंजन, चैसिस, एवरीथिंग इज सेम। सिर्फ इस एग्जॉस्ट पाइप में आप देखिएगा, क्योंकि अब ये BS6 हो गया है इंजन, तो इसमें ये कैटालिटिक कन्वर्टर आपको मिलेगा, जो कि इसको BS6 कंप्लेंट बनाता है। बाकी इंजन की पावर परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, इंजन स्टिल वही 411 सीसी का सेम सिंगल सिलेंडर इंजन है, जो कि एयर कूल्ड होता है। और इसमें जो आपको पीक टॉर्क मिलेगा वो 32 Nm का मिलेगा, और जो इसमें पीक पावर मिलेगा वो आपको मिलेगा 24 BHP का। रियर टायर की अगर हम बात करें, तो रियर टायर में जो ग्रिप है वो काफ़ी सॉलिड ग्रिप है, ऑफ रोडिंग के हिसाब से भी और ऑन रोड भी, वेट ग्रिप भी काफ़ी अच्छी है इस टायर की। ये रियर टायर जो आपको मिलेगा ये 17 इंच का मिलेगा, फ्रंट टायर जो था हमारा वो 21 इंच का था, तो इसकी वजह से एक स्टांस इसको मिलता है, जो कि ऑफ रोडिंग के लिए और टूरिंग के लिए आपको काफ़ी कंफर्टेबल महसूस होगा। बात करें अगर रियर प्रोफाइल की, तो रियर में भी एज सच कोई खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये आपको जो लाइट मिलती है ये LED लाइट मिलती है, और जो ये पीछे इसकी पार्सल रैक है इसको थोड़ा सा इन्होंने नीचे कर दिया है। पहले ये थोड़ा सा ऊँची होती थी, बट अभी नीची है, और इसके ऊपर ये एक प्लेट इन्होंने लगा दी है, जिस पर क्लियरली लिखा हुआ है कि मैक्स लोड जो है वो 7 kg है, 7 kg से ज़्यादा इसमें कुछ नहीं डालिएगा। ये ग्रैब हैंडल्स आपको मिल जाएंगे साइड में, जो कि आपका पिलियन राइडर के लिए काफ़ी कम्फर्टेबल होते हैं लॉन्ग रूट्स पर, और अगर आप अकेले जा रहे हैं तो ये आपको आपके लगेज माउंट करने में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, ये तो बात हुई इस बाइक के लुक्स के बारे में। अब इससे आगे की जो बातचीत है, जो हमारा डिस्कशन है, जो हमारा रिव्यू है, वो हम पूरा करेंगे इस अपनी बाइक के ऊपर। तो चलिए चलते हैं छोटी सी ट्रिप पर, और फिर चलते चलते आपसे बात करते हैं। तो लुक्स ओवरऑल आपने अभी देख ही ली हमारी इस बाइक की, काफ़ी अच्छी लुक्स हैं, बट टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मैं बात करूँ प्रीमियमनेस की, तो प्रीमियमनेस में मुझे लगता है ये बाइक थोड़ी सी कहीं ना कहीं ढीली पड़ जाती है। जब आप यार पे कर रहे हैं लगभग 2-2.5 लाख रुपये किसी बाइक के लिए, तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन होती है बाइक से, वो होती है कि आपको ये बाइक एक प्रीमियम फील देगी, एक फील गुड फैक्टर देगी, जो कि आई एम सॉरी टू से इस बाइक से मुझे नहीं मिल रहा है, बिकॉज़ जो पार्ट्स की क्वालिटी है वो अप टू द मार्क नहीं है। तो जो वेल्डिंग वाले निशान हैं, जहाँ पर दो पाइप्स को ये लोग वेल्ड करते हैं, वो वेल्डिंग के निशान काफ़ी प्रोमिनेंटली दिखते हैं। उसकी और फिनिशिंग हो सकती थी मेरे ख्याल से, तो वो जॉइंट्स थोड़े से कहीं ना कहीं आपको अगली नज़र आते हैं। तो ये एक मेरा जो निगेटिव पॉइंट है वो है लुक्स को लेकर, मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ। नो डाउट एक बहुत ही बड़ी बाइक है, काफ़ी
हैवी बाइक है और जो आपका रोड प्रेजेंस है वो काफ़ी अच्छा है। पर्सनली अगर मैं बात करूँ इसके प्रीमियमनेस की और ओवरऑल सेटिस्फेक्शन की, लुक्स को लेके या इसकी क्वालिटी को लेके, तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश और थी। एक दूसरी चीज़ जो मुझे इस बाइक में पसंद नहीं आई वो थी इसका हॉर्न। जो इस बाइक का हॉर्न है वो बहुत ही अजीब सा है, मतलब एक बच्चों वाली फीलिंग है। इतनी बड़ी बाइक अगर आप ले रहे हो और आप उसको मोस्टली हाईवे पर भी राइड करोगे, तो मेरे ख्याल में थोड़ा और पावरफुल हॉर्न होना चाहिए था, थोड़ा सा और अच्छा, यानी विद हैवी बेस होना चाहिए था। थोड़ा सा फिल्मसी सा इसका हॉर्न है तो वो इतना अच्छा मुझे फील नहीं देता। चलिए बात करते हैं बाइक की राइड एंड हैंडलिंग के बारे में। तो राइड एंड हैंडलिंग बहुत ही शानदार है बाइक में, एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चलाने में मक्खन है एकदम बाइक। दूसरी रॉयल एनफील्ड की जो बाइक्स आपने देखी होंगी, चाहे वो क्लासिक हो, चाहे वो बुलेट हो, चाहे वो कोई सी भी और बाइक हो, उसके कंपैरिजन में जो वाइब्रेशंस हैं बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हैं। दूसरी जो बात है वो है इसका वेट। जो बाइक का वेट है हमारा वो है 199 किलो कर्व वेट, तो उस हिसाब से काफ़ी हैवी बाइक है, साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। तो सिटी में आप जब इसको राइड करेंगे ट्रैफिक में या गलियों में तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी बाइक होने की वजह से और इतनी हैवी बाइक होने की वजह से थोड़ा सा आपको इसकी मैनेवरेबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी। एक अच्छी बात जो मुझे इस बाइक में महसूस हुई है वो ये है कि इसके इस हैवी वेट होने की वजह से और जो इसका स्टांस है, ओवरऑल सिटिंग पोस्चर है, उसकी वजह से जो आपको हाईवे पर स्टेबिलिटी मिलती है वो ज़बरदस्त है। जो कॉन्फिडेंस आपको मिलता है वो एक नेक्स्ट लेवल का होता है। अगर आप किसी छोटी बाइक से अपग्रेड करके हिमालयन पर आ रहे हैं तो आई एम प्रेटी मच श्योर दैट यू विल डेफिनेटली फील द डिफरेंस। कम्प्लीटली आपके कंट्रोल में बाइक रहेगी और पूरी तरह चिपक कर रोड से चलेगी। तो इस मामले में तो मेरी तरफ से 10/10 इस बाइक को मैं दूंगा, बहुत ही अच्छी राइड एंड हैंडलिंग है। ऑफ रोडिंग अगर आप करेंगे तो इसका जो सिटिंग पोस्चर है वो आपके लिए बहुत ही कम्फर्टेबल होगा। जो इसके लॉन्ग ट्रेवल सस्पेंशन है वो आपको बहुत ही ज़बरदस्त कंफर्ट देंगे। और आप अगर उल्टे सीधे रास्तों पर चला रहे हैं, थोड़ा ऑफ रोडिंग कर रहे हैं या खड्डों में आप जा रहे हैं, तो इसमें आप अपने पैरों पर भी खड़े होकर आराम से बाइक को राइड कर सकते हैं, क्योंकि जो इसका हैंडल है वो काफ़ी ऊँचा है और बाइक को इस तरह से बनाया गया है कि आप जो राइडिंग ऑन द पेग्स है वो काफ़ी कन्वीनियंट आपके लिए हो जाता है। फ्यूल इफिशियंसी की अगर मैं बात करूं तो अभी तक वैसे तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं चलाया है बाइक को, सिर्फ लगभग 150 किलोमीटर मेरी बाइक चली है और मोस्टली सिटी में चली है। बट स्टिल इस 150 किलोमीटर में सिटी यूज़ में मुझे लगभग 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर का इसने माइलेज दिया है, विच इज़ आई थिंक सेटिस्फैक्टरी एंड मोर देन माई एक्सपेक्टेशन। अभी जैसे इसकी फर्स्ट सर्विस होगी और थोड़ा बाइक रनिंग से बाहर आएगी, थोड़ा इंजन खुलेगा, तो मुझे लगता है इसकी माइलेज फर्दर इम्प्रूव होगी। और लास्ट टाइम जो मैंने बाइक चलाई थी मनाली में, उस टाइम भी मुझे लगभग 35 से 40 का एवरेज इस बाइक ने दिया था, तो एवरेज वाइज मुझे कोई भी कंप्लेंट नहीं है, बढ़िया एवरेज है। आराम से इसका 15 लीटर का टैंक है, तो अगर आप 35 का भी इसका मानते हैं एवरेज, तो लगभग आपको 450 किलोमीटर का फुल टैंक एक रेंज मिल जाएगी, जो टूरिंग के हिसाब से मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया है। एक्सेसरीज़ की जहाँ तक बात आती है, तो अभी तक मैंने जब ये डिलीवरी ली थी तो सिर्फ ये नकल गार्ड से इस बाइक में लगवाए थे जो कि उस टाइम अवेलेबल थे। इसके अलावा मैंने ज़्यादा कुछ अभी एक्सेसरीज के बारे में सोचा नहीं है। बट जो बेसिक एक्सेसरीज़ मुझे चाहिए उसमें एक तो मैंने ऑर्डर किया है इसका जो रेडिएटर ग्रिल है, उसका एक प्रोटेक्टर आता है जो कि अगर सामने से आप स्पीड से जा रहे हो, कंकड़ पत्थर होते हैं उनसे आपके रेडिएटर को बचाता है, वो मैंने प्लान किया है। इसके अलावा मैंने इस बाइक में ये सीट के कवर्स लगवाए हैं। इसके अलावा मुझे इसके सैडल बैग्स चाहिए, सैडल बैग्स मुझे लगवाने हैं जो कि आगे चल के टूरिंग में मेरे काम आएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने करीब करीब सभी बातें आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं, मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अब बात आती है ये कि इसका कंक्लूजन ओवरऑल क्या है, आपको ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये बताने के लिए हमें चलना पड़ेगा वापस से अपने घर, और फिर घर जाकर हम आपसे करते हैं दोबारा से बात और बताते हैं अपनी इस ओवरऑल रिव्यू का निष्कर्ष। तो चलिए चलते हैं घर पे और फिर मिलते हैं आपसे।
तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये राइड हो गई है कंप्लीट, और इस राइड में, छोटी सी राइड में, आप लोगों से बात करते हुए, इस हिमालयन के बारे में बात करते हुए बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया मैंने। अब बात आती है हमारे इस वीडियो के, इस रिव्यू के कंक्लूजन की, कि ये रॉयल एनफील्ड की हिमालयन क्या आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। बस अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इस बाइक से पूरी तरह सेटिस्फाइड हूं। मुझे अभी तक इस बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं लगी है। अब आप बोल रहे होंगे, यार तुमने अभी 15 दिन ही चलाई है, 15 दिन में कैसे तुम बोल सकते हो? बट बॉस, मैंने ये बाइक 300-400 किलोमीटर भी चलाई है, और वो भी इससे पहले वाला अवतार जो कि BS4 था। तो अब जबकि BS6 के बाद भी एक नया अपडेट आया है जो कि ये 2021 वाली बाइक है, तो इस बाइक में रॉयल एनफील्ड ने ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दिया है, और इस बाइक में अब मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो छोटी छोटी चीज़ों की कमी इस बाइक में थी, जो वाइब्रेशंस थोड़ी बहुत इस बाइक में थी, वो सब वाइब्रेशंस ख़त्म हो चुकी हैं। आपके हैंडल बार पे, आपके साइड व्यू मिरर्स पे कहीं भी आपको कोई वाइब्रेशन फील नहीं होगी। थोड़ी सी वाइब्रेशन आपको अपने फुट पैक्स में ज़रूर होगी, बट दैट्स ओके, बिकॉज अभी इंजन मेरा नया है, तो हो सकता है, और मुझे ये उम्मीद है कि जब मेरा इंजन रनिंग से बाहर आएगा और एक दो सर्विस हो जाएगी, उसके बाद ये वाइब्रेशन ठीक हो जाएगी। मैंने ये बाइक इसलिए चुनी क्योंकि मुझे एक ईजी टू राइड, एक इकोनॉमिकल बाइक चाहिए थी, कम्फर्टेबल बाइक चाहिए थी, तो मेरे हिसाब से ये बाइक, हिमालयन बाइक, बहुत अच्छी थी। और हाँ, अगर हिमालयन से रिलेटेड आपका और कोई भी क्वेश्चन है, या आप कुछ और जानना चाहते हैं, या कोई ऐसी चीज़ है जो मैं आपसे शेयर करना भूल गया, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं बंद करता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है और आपको अच्छी लगी है, तो इसे लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले टाइम में इस हिमालयन से रिलेटेड जितने भी मैं वीडियोस डालूँ वो आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो चलिए इसी के साथ, अपना बहुत ध्यान रखिए, अपने बड़ों का सम्मान करिए, बच्चों से प्यार करिए, और अपनी ज़िंदगी को जीते रहिए खुशी के साथ, मस्ती के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे अगले संडे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।